हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल को कुकिंग इज यार में। आज मैं साबूदाने का कुरकुरे बनाऊंगी। ऐसे तो हम पैकेट का जब कुरकुरे आते हैं 5 रुपए में, बहुत थोड़ा सा कुरकुरे देता है, तो आज मैं घर में बहुत ही कम चीजों से बनाऊंगी कुरकुरे। ये देखिए साबूदाना मैंने लिया हुआ एक कटोरा, इसे मैंने रात भर भिगो दिया था, बहुत ही अच्छे से भीग गया है। देखिए इसे धुलकर साफ करके मैंने भिगो दिया था। इस तरह से हाथों से मैश करने से एकदम देखिए मैश हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने देखिए कटोरा लिया है, जिस कटोरे से मैंने साबूदाना लिया था उसी कटोरे से मैंने इसमें पानी डालना है। तीन और ये चार, चार कटोरा में पानी यहाँ पे डाली हूँ। अब इसको गैस पे चढ़ा दूंगी। यहाँ पे मैं पानी को गैस पे चढ़ा दूंगी। किसी मोटी तली का बर्तन लीजिएगा ताकि साबुदाना पकते समय इस तली में चिपके। यहाँ देखिए पानी में उबाल आने लगा है तो मैं साबुदाने को इसमें डाल दूंगी और डाल के इसको पकाऊंगी। थोड़ी देर में ही साबुदाना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसको धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे साबुदाना जो है पारदर्शी हो गया है। इसे 10 मिनट और पकाना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे साबुदाना बहुत ही अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर। और अच्छे से अगर नहीं पकाइएगा तो कुरकुरे जब बनेगा वो बीच से टूट जाएगा। इस तरह से अच्छे से साबुदाना को पकाना है इसलिए। तो मैं इसमें फ्लेवर के लिए चाट मसाला डालूंगी, जरा सा काली मिर्च पाउडर, अब हम चिली फ्लेक्स भी डाल सकती हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आलू लिया हुआ है, उबला आलू है ये, इसे मैंने मैश कर लिया है इस तरह से। देखिए इसमें इसको डाल देंगे, डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे इसके साथ। देखिए ये गाढ़ा हो गया है एकदम, मैं इसे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। ठंडा करने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब मैंने यहाँ एक दूध का पैकेट लिया है, इसमें मैं इसमें भर दूंगी इसको। अब मैं इसको नीचे से जरा सा काट दूंगी। थाली या प्लास्टिक कोई भी चीज ले लीजिए, उसमें इस तरह से फैला दीजिए इसको, लंबा लंबा बना के। देखिए चाहे तो बड़ा भी बना सकती है इसको, सूखने के बाद इसे तोड़ लीजिएगा। इस तरह से देखिए इसे बना लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और बहुत ही कम कम सामान से बनता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। फ्रेंड्स तो इसी तरह से मैं सारे को बना लूंगी और 2 दिन तक इसको धूप में अच्छे से सुखाना है। सुखाने के बाद इसको रख दीजिएगा और जब भी कुरकुरे खाने का मन करे तो इसे फ्राई करिए और बच्चों को दीजिए, बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे। फ्रेंड्स अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।